अगर आपने 10 क्वेश्चन में से 4 भी सही कर डाले तो भी आपके पास 16 नंबर बनते हैं। 16 में से आप 6 माइनस कर दोगे नेगेटिव के, तो कितने बचे? 10 नंबर तो आपको तब भी फ्री फंड के मिल गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की वीडियो कुछ इस तरीके से है कि हम बात करने वाले हैं गैस वर्क के ऊपर, और गैस वर्क का मतलब होता है तुक्के मारना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने लिए कि भाई मैं तो बहुत सारे तुक्के मार के आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो कल से ही पढ़ना शुरू करा होगा। लेकिन तुक्के मारने का भी एक सही तरीका है और एक चांस होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है। ये जो वीडियो है, मैं आज तुक्के मारने वाली जो बात करने वाला हूँ, ये मैं टॉपर के लिए भी बात कर रहा हूँ और एक जो उस स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जिसने कुछ तैयारी नहीं करी और ठीक से पढ़ा नहीं है, तो दोनों ही केसेस में बात करने वाले हैं। तो गैस वर्क यहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है अच्छी तरीके से, ठीक है, तो उसमें अगर आपने पूरे उस केस में आपने पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया, अब लास्ट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है कि यार अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचा, मेरे को ये आते भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके माइंड में दो चीज़ आती होंगी, या तो भाई तुक्के मार दूँ सब में, कुछ भी करके आ जाऊँ, और दूसरा या तो मैं सबको छोड़ दूँ। दोनों ही केसेस के अंदर स्मार्ट चॉइस हो सकती है। एक स्मार्ट चॉइस ये हो सकती है कि भाई आप वहाँ पे छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर दो, और दूसरा तुक्के खेलने के लिए आपके पास एक और स्मार्ट चॉइस हो सकती है जो मैं यहाँ पे केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना रखा है जो मेरी कैलकुलेशन है, और आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सही लगता है तो जरूर करना, वैसे मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा। इसके अलावा गैस वर्क किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए? जो स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड होते हैं बिटवीन ए बी, बी सी मतलब बी डी, दो ऑप्शन के बीच में जो बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं उनके लिए गैस वर्क काम करता है। जिस बच्चे को लगता है कि भाई चारों में से कुछ भी नहीं आता तो उसके लिए अलग गैस वर्क काम करेगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पैटर्न का आपका क्या कहता है कि आपको एक करेक्ट आंसर पर 4 नंबर मिलेंगे, हर एक गलत पर आपको एक नंबर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उस केस में पहले बात करते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो 4 क्वेश्चंस के अंदर गैस वर्क कर सकता है। एट दी एंड मैं आपको बोलूँगा 4 क्वेश्चंस के अंदर तो आप गैस वर्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने क्या करा कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारे, ठीक है, पहला यहाँ पे मैंने लिखा है करेक्ट और यहाँ पे लिखा है मैंने गलत, ठीक है। गलत का क्या होता है कि हर एक गलत पे, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चंस का मैंने एग्जाम का सेट बनाया है, 10 क्वेश्चंस के अंदर से अगर आपके 10 करेक्ट होते तो 0 नेगेटिव होगा, 9 करेक्ट होते हैं तो 1 गलत होगा, 8 करेक्ट है तो 2 गलत होंगे, 7 करेक्ट है तो 3 गलत होंगे। इस तरीके से मैंने चार्ट बना रखा है। अगर आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? पहला आपने गलत करा है तो उसके अंदर आपको 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा। दूसरा आपने गलत करा है तो उसके अंदर भी आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले पे आपको मिला 0, दूसरे पे मिला 0, तीसरे पे मिला आपको 0, चौथा आपने सही करा तो आपके ये चारों यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, ना ही आपको प्लस मिला ना ही माइनस मिला। मानते इस बात को कि एक करेक्ट आंसर पे 4 मिल रहे हैं, तो अगर आपके 3 तुक्के में गलत चले गए और एक चौथा ठीक बैठ गया तो आपके जो 4 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेफ हो गए। आपको नहीं आते थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक इसमें रिस्क ये होता है भाई, तुक्का है तो देखो सबको पता है तुक्के का मतलब रिस्क ही होता है। अगर ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो फिर आपके चारों ही मतलब माइनस में चले जाएंगे, -4 पे आप चले जाओगे। लेकिन अगर आपका ये एक करेक्ट हो गया तो आप इसको बैलेंस कर दोगे, और ऑफकोर्स ही बात है आपको कहीं ना एक क्वेश्चन में तो ऐसा लगा ही होगा कि भाई इसका आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका तुक्का वर्क कर सकता है, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर आप 10 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो, तो अगर आपने लगातार 10 क्वेश्चंस के अंदर कर दिया अपना गैस वर्क, तो उसमें से अगर एक गलत आया तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे 40 नंबर, ठीक है। अगर आपका एक भी गलत नहीं आता तो आपको मिल जाएंगे पूरे 40 नंबर। अगर आपका एक गलत होता है तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 96 नंबर, जिसमें से आपको एक माइनस अपना खोना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि भाई सबके इतने लेवल पे करेक्ट आ जाएंगे। करेक्शन कहाँ पे हो सकता है कि आउट ऑफ 10 हो सकता है कि आपके 5 करेक्ट हो जाए, ठीक है, आउट ऑफ 10 आपके 5 करेक्ट हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, आपको 20 नंबर मिलेंगे और आपके 5 माइनस हो जाएंगे, जिसमें से मतलब आपको मिले टोटल 15। समझ में आया आपको? और दूसरा केस अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर आपने 10 में से 4 क्वेश्चन ठीक करे हैं, सिर्फ 10 में से अगर आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन ठीक करे हैं तो भी आपके पास कितने आए, 16 नंबर, और 6 आपके माइनस कर दो तब भी आप 10 के बेनिफिट में तो आ गए ना भाई। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? अगर आपने
10 क्वेश्चन में से 4 भी सही कर डाले तो भी आपके पास 16 नंबर बनते हैं। 16 में से आप 6 माइनस कर दोगे नेगेटिव के, तो कितने बचे 10 नंबर, तो आपको तब भी फ्री फंड के मिल गए। इसके बाद अगर आप देखते हो आपने 3 क्वेश्चन करेक्ट करे थे, ठीक है, 10 में से आपने 10 का तुक्का खेला तो आपको मिले कितने नंबर, 12 नंबर। 12 में से 7 माइनस कर दो तो प्लस 5, तो आपको तब भी मिल गए, 5 का मजा तो आपको तब भी मिल ही गया। इसके बाद बात होती है 2 के बारे में। अगर आपने 10 में से 2 करेक्ट करे तो आपको मिले टोटल 8 नंबर। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट आपको कहाँ पे होगा, अगर आपके 10 में से 10 तुक्कों के गेम में से अगर आपको मिलते हैं नंबर, 10 में से अगर आप 4 क्वेश्चन ठीक करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, 7 करते हो, आप बेनिफिट में ही रहने वाले हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि भाई 10 के 10 आप गलत मत कर देना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, आपको 10 ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसके अंदर आपको लगता है ए बी वाला कॉन्सेप्ट। ए बी मतलब कि या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। उस केस में ही आपकी स्ट्रेटेजी चल जाएगी। ब्लेंडर खेलने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है ब्लेंडर के अंदर। फिर आप ये वाला चार्ट आके खोल लेना घर पे आके कि भाई मेरे तो ये वाले हुए, तो मेरे इतने नंबर यहाँ पे ऐड मेरे को फ्री में आके मिल गए हैं। तो गैस वर्क में वैसे सबको बोलता नहीं हूँ कि भाई करें, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी चार्ट अपना बना सकते हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि भाई मैं कितने क्वेश्चन गैस वर्क करूँगा तो मेरे को कितने का बेनिफिट हो रहा है और कहाँ पे मैं सेफ चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये हर किसी के लिए नहीं है, ऐसा आप हमेशा मत करना। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आपने जो अच्छे से पढ़ाई करी है सिर्फ उसी पे बिलीव रखे। मेरी एक प्रोबेबिलिटी थी कि भाई 4 क्वेश्चन अगर आप ब्लेंडर खेल के आते हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ काम कर सकती है तो आप इसको ज़रूर अपना यूज़ कर लेना, नहीं लगता तो इसको अवॉइड करना, इग्नोर करना, और वीडियो को मतलब लाइक कर लेना, क्योंकि यार एक एफर्ट तो मैंने आपके लिए मारा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।